हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष आयुर्वेदा चैनल। आज हम आपसे आयुर्वेद की पॉपुलर दवा अश्वगंधा चूर्ण के बारे में बात करेंगे। आइए हम जान लेते हैं अश्वगंधा किसे कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मिथेनिया सोमनीफेरा है, इसे विंटर चेरी भी कहते हैं। अश्वगंधा के पत्तों के रगड़ने पर घोड़े के मूत्र और पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेद शोधकर्ताओं के अनुसार अश्वगंधा के सेवन से घोड़े जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है, शरीर बलवान और स्फूर्ति आती है। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस आदि गुण होते हैं। इसके जड़ और पत्ते को दोनों को आयुर्वेदिक दवा में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो अश्वगंधा बहुत सी बीमारियों के काम आती है। यौन क्षमता में वृद्ध अश्वगंधा एक शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक औषध है जो पुरुषों की यौन क्षमता को वृद्धि करता है और साथ ही सीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर स्पर्म की संख्या को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता में अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण रोग प्रतिरोध क्षमता काफ़ी मजबूत होती है और हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। इंद्रा में अश्वगंधा के पत्तों में ट्राइएथिलीन ग्लाइकोनायमक यौगिक होता है जो गहरी नींद में सोने में मदद करता है। इसके सेवन से नींद अच्छी आती है। हृदय संबंधी बीमारियों में अश्वगंधा में हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव होने के कारण बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होने के कारण हृदय को स्वस्थ रखता है। तनाव कम करने में अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण होने के कारण तनाव को कम करता है, जिससे तनाव में लगभग 70% की कमी हो जाती है। ये दिमाग के ट्रैवलिंग के स्तर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज में इसमें मौजूद हाइपोग्लाइमिक प्रभाव ग्लूकोज की मात्रा को धीरे धीरे कम कर देता है। बालों की समस्या में अश्वगंधा शरीर में कार्टिसोल के स्तर को कम करके बालों को गिरने से बचाता है। इसमें टायरोसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, कम सोने से तनाव और चिंता बढ़ती है जिससे बाल गिरते हैं। अर्थराइटिस में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण गठिया में अच्छा लाभ होता है। स्किन संबंधी बीमारियों में त्वचा में इन्फेक्शन के लिए सबसे आम बैक्टीरिया स्टेफेलोस कोकस आरियस है। इनके इन्फेक्शन से चेहरे में सूजन आती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण चेहरे की सूजन में काफ़ी फायदा मिलता है। लिकोरिया में ये महिलाओं में होने वाली आम बीमारी है। इसका सेवन करने से कमर दर्द और जोर दर्द में लाभ मिलता है। आँखों संबंधी बीमारियों में अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मोतियाबिंद से लड़ने में मदद करते हैं और आँखों को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। अगर आप डायबिटीज या हृदय संबंधी कोई दवा ले रहे हैं तो अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम डोजेज की बात करें तो अश्वगंधा चूर्ण 2 से 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।